Why this Kashmir files? To humiliate one section. What is this Kerala files? Though I don't support the CPM people. I am talking about the people. इसी में ममता बंदोपाध्याय ने विक्टिम लड़की और परिवार का समर्थन करने की बजाय टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन क्यों किया? Instead of me, it was their duty to criticize it, but they walk together. I will request the state government chief minister. Very sad that your party is working with BJP, and that BJP is showing the Kerala files a distorted stories. के हर माता पिता से अपील करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है, बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में यह हकीकत है। फिल्म के अंत में रियल विक्टिम्स का स्टेटमेंट, जो पीड़ित परिवार हैं वो स्वयं कैमरा पर आकर देश से अपील कर रहे हैं। साल 2017 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने इंट्रैपमेंट और रिलीजियस कन्वर्जन्स के संदर्भ में एक कमेटी के माध्यम से केरल पुलिस को कुछ तथ्य सौंपे थे। ये सार्वजनिक जानकारी में भी विषय है। वो राजनीतिक दल जो लड़कियों के एंट्रैपमेंट, फोर्सिबल कन्वर्जन और आइसिस ब्राइड्स को झुटलाते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहती हूं। ये फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है, तो आप देश को यह संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो, महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के समर्थक नहीं हो। मैं आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस विषय पर विशेष रूप से जनता से कहती हूं कि वो उन राजनीतिक दलों का विशेष निषेध करें जिन्होंने इन फिल्मों के माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं उनका बहिष्कार करने का दुस्साहस किया है। आइसिस ब्राइड्स, इंडॉक्ट्रिनेशन, ये एक हकीकत है और जिस जिस राजनीतिक दल ने इस हकीकत को स्वीकार करने से इनकारा है, उन राजनीतिक दलों पर यह आरोप है कि वो महिला के एंट्रैपमेंट और महिला को आतंकवादी गतिविधियों में ट्रैप करने का समर्थन कर रहे हैं। मैं आज ममता बंदोपाध्याय से पूछना चाहती हूं कि जिस फिल्म में आतंकवादी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिस फिल्म में रियल लाइफ विक्टिम्स फिल्म के अंत में समाज से, राष्ट्र से, राजनीतिक दलों से अपील कर रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं, ऐसे में ममता बंदोपाध्याय ने विक्टिम लड़की और परिवार का समर्थन करने की बजाय टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन क्यों किया?